हे गेमर्स, आज 10 दिन से भी ज़्यादा वक्त हो गया है मुझे इस फ़ोन में गेमिंग करते हुए, और हर दिन मैंने इसमें लगभग 2 घंटे के आसपास गेमिंग करा है। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा इसमें गेमिंग करते वक्त, वो सब आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाल ही में इसमें एक अपडेट भी आ चुका है सिक्योरिटी पैच का, और फ़ोन ठीक ठाक है अपडेट करने के बाद भी। परफॉर्मेंस कैसा है अपडेट के बाद वो आपको आगे पता लग जाएगा, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या इसे 10,000 में गेमिंग के लिए परचेज करना सही रहेगा या नहीं। और बहुत सारे बंदे Redmi 12 5G के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल सेम है। आप इस फ़ोन के रिव्यू से Redmi 12 5G को बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हो, बस ब्रांड का फ़र्क है और कुछ नहीं। इसके एंटूटू स्कोर और DPI के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जिन्हें जानना वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। जिन्हें स्पेक्स नहीं पता वो वीडियो पॉज करके देख लेना। तो अब गेम की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बता दूं। अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्ड अच्छे क्वालिटी में नहीं हो पाता या रिकॉर्डिंग के वक्त लैग होता है, तो अब आप एनीमिरो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने गेम प्ले को 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, या सिंपली स्क्रीन को मिरर कर सकते हो। बोले तो अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को लैपटॉप या PC में कास्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट कि इस सॉफ्टवेयर को आप हर रोज 40 मिनट तक फ्री में यूज कर सकते हो, वो भी हाईएस्ट सेटिंग्स के साथ। और हाँ, इसमें आप जो भी गेम प्ले रिकॉर्ड करोगे वो साउंड के साथ रिकॉर्ड होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ट्राई करो एनीमिरो सॉफ्टवेयर को और हाईएस्ट क्वालिटी में स्क्रीन मिरर, रिकॉर्ड या लाइव स्ट्रीम करो। ऑलराइट, अब वापस गेम पे लौट आते हैं और सेटिंग्स देख लेते हैं। ग्राफिक्स में हम पहले अल्ट्रा पर हाई रिजोल्यूशन को ऑफ करके खेलेंगे, FPS को ऑन रखा है, और फिर स्टैंडर्ड पर भी ट्राई करेंगे। बजट सेगमेंट का फ़ोन है तो ओबियस सी बात है, अल्ट्रा मैक्स ग्राफिक्स पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। तो पहले आप खुद गेमिंग को देखो इस डिवाइस का, कि अपडेट के बाद कैसा चल रहा, उसके बाद मैं सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। क्लैश स्क्वाड अल्ट्रा ग्राफिक्स पर अच्छे से चल जा रहा, डिटेल में आपको आगे पता लगेगा। फिलहाल एक फुल मैप का गेमिंग देख लो, पहले अल्ट्रा ग्राफिक्स पर, फिर एक स्टैंडर्ड पर भी देख लेना। तो आप गेमिंग देखो, बाकी आगे बातें करते हैं।
ऑल राइट, सबसे पहले क्लैश स्क्वाड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी और पिछले 10 दिनों से मैंने जो भी नोटिस करा है कि क्लैश स्क्वाड अल्ट्रा ग्राफिक्स पर हाई रिजोल्यूशन ऑफ करके खेलने पर अच्छी खासी गेमिंग करा दे रहा। लैग बहुत कम बोले तो कभी कभी ही करता है, बट जब भी लैग करता है बहुत बुरी तरह करता है। अच्छी बात है कि ये सिर्फ 2-3 सेकेंड के लिए ही होता है, फिर भी ये 2-3 सेकेंड पूरे गेम का मजा खराब कर सकता है। इस डिवाइस में क्लैश स्क्वाड गेमिंग को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो देखो, क्लैश स्क्वाड आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पर ठीक ठाक खेल सकते हो, बस ध्यान रखना हाई रिजोल्यूशन ऑफ रहे और 2-3 सेकेंड कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और लॉन्ग टर्म में सी एस को स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलने के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हो। अब फुल मैप परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी अल्ट्रा ग्राफिक्स पर नॉर्मल गेमिंग ठीक ठाक कर पा रहा, बट कहीं कहीं पर बहुत गंदा लैग देखने को मिलता है और ये लैग ऐसा होता है जिसमें मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाता है, इवन आप ठीक से फायर या ग्लू भी नहीं लगा सकते। और ये लैग ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्लोज फाइट में होता है, ये कहीं भी और कभी भी होने लग जाता है। तो फुल मैप में अल्ट्रा ग्राफिक्स पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, वहीं अगर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर फुल मैप खेलते हो तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर बहुत ज़्यादा फुल मैप खेला और फ्रेम ड्रॉप कभी कभी ही देखने को मिला, जो नोटिसेबल भी नहीं था। तो इस डिवाइस में फुल मैप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर अच्छे से खेल सकते हो और हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ करके शुरुआत में अल्ट्रा के भी मज़े ले लोगे। देखो, इसका प्रोसेसर वैसे तो काफ़ी पावरफुल है, पर इस डिवाइस में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मे बी ऑप्टिमाइजेशन उतना सही नहीं करा गया है, हो सकता है आने वाले किसी मेजर अपडेट में ये फिक्स हो जाए। और इस डिवाइस का थर्मल बहुत ही कमाल का है, लंबी गेमिंग में भी टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, और 10 दिनों के बाद भी सेम एक्सपीरियंस मिल रहा, मैक्स 42 डिग्री तक ही पहुंचता है और स्मार्टफोन गर्म फील तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो थर्मल के लिए थम्स अप। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इस डिवाइस को आप छोड़ सकते हो, मैंने अल्ट्रा पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करा और भर भर कर लैग देखने को मिला। इवन आप फुल मैप में स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर भी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, कहीं कहीं पर बहुत ही बुरी तरह से लैग खाता है। क्लैश स्क्वाड में कुछ वक्त के लिए आप रिकॉर्ड कर भी लो, पर फुल मैप में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। स्मूथ ग्राफिक्स पर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट स्मूथ ग्राफिक्स पर रिकॉर्डिंग क्या ही करना। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप फोन देख रहे हो तो इसे रहने देना, वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो तो आपको बजट बढ़ाना चाहिए, 10,000 या बजट वाले फोन्स में एक्सपीरियंस अच्छा वैसे भी नहीं मिलता। और इसके सेंसिटिविटी की बात करूँ तो 9 out of 10 कम माल की सेंसिटिविटी है, मतलब 10,000 के हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी टॉप क्लास की है। इसमें आप आराम से 1-tap drag, 360 glue, फास्ट मूवमेंट सब कर सकते हो। अगर इसकी सेंसिटिविटी को मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो सिंपली ऑसम, ऑसम सेंसिटिविटी है। इसके अलावा अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है, एक बार फुल चार्ज पर आप आराम से 7 घंटे से ज़्यादा की गेमिंग कर सकते हो, और 1 घंटे की गेमिंग में ये 10% के आसपास बैटरी खाता है, तो बैटरी बैकअप भी ऑसम है। और इसमें फुल्ली फंक्शनल गेम टर्बो भी अवेलेबल है, जिसमें वॉइस चेंजर, परफॉर्मेंस बूस्ट वगैरह मिल जाता है। बाकी कैमरा बजट के हिसाब से ठीक ठाक है, नॉर्मल यूजर्स के लिए ओके है। सो अब कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या इसे 10,000 में गेमिंग के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर 10,000 के हिसाब से इस फ़ोन को देखें तो ओवरऑल जो फ़ोन है ना वो बहुत सही है। इसके साथ बेनिफिट ये है कि ये एक 5G फ़ोन है विथ पंच होल डिस्प्ले, और इसमें सेंसिटिविटी, थर्मल, बैटरी बैकअप और मीडियम सेटिंग्स पर परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो मेरे तरफ से ये स्मार्टफोन 10,000 पर गेमिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड रहेगा, और हो सकता है बिग बिलियन डे सेल में इसका 6GB वाला वेरियंट 11,000 के आसपास मिल जाए, तो 4GB वाले से बेटर होगा अगर आप 6GB रैम के साथ जाओ, हल्का परफॉर्मेंस इम्प्रूवड मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश कराई कि सारा कुछ कवर हो जाए, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, इसका मैक्स DPI वगैरह मत पूछना, वो आप खुद देख लेना, मेरी मानो तो 500 भी एनफ है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाओगे तो डिवाइस एबनॉर्मल परफॉर्म कर सकता है। खैर, ये आप खुद डिसाइड करो। सो वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।